होली से पहले अखिलेश यादव ने उड़ाया ऐसा रंग कि दोनों डेप्यूटी सीएम लपेटे में आ गए। मौर्य और पाठक दोनों से ही योगी को है दिक्कत, तभी तो जब साथ आए तो ये दोनों नजर ना आए। अखिलेश यादव ने फिर से छोड़ा तीर तो शुरू हो गई बहस, क्या सीएम और डेप्यूटी सीएम के बीच चल रही है अनबन। त्योहार से पहले अखिलेश डालेंगे रंग में भंग, किसी ने सोचा न था, खबर देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा जिस तरह आजकल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को परेशान किए हुए हैं, वैसे ही अखिलेश यादव यूपी के सियासी मैदान में योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। जडेजा मैदान पर न केवल बल्लेबाजी में रन जोड़ रहे हैं बल्कि गेंदबाजी में तो धरंधरों को पीछे छोड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव विधानसभा के अंदर तो हमलावर थे ही, सदन के बाहर अब और भी आक्रामक हो गए हैं। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ तो उनकी खुली जंग अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन इस बार अखिलेश ने न केवल केशव प्रसाद मौर्य को बल्कि उनके ही समकक्ष कद वाले मंत्री बृजेश पाठक को भी लपेटे में ले लिया है। लपेटे में भी ऐसा लिया है कि सत्ता पक्ष के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। वहीं दूसरी ओर सपाई लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच इतनी तनातनी क्यों चल रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की। ये तस्वीर विधानसभा बजट सत्र के समापन के मौके पर फोटो सेशन की है। तस्वीर में दोनों डेप्यूटी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक नहीं है। अखिलेश यादव ने तस्वीर के साथ लिखा, दोनों मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का ये स्पष्टीकरण आए कि क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं। अखिलेश यादव ने इस फोटो के साथ साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि काशी में गंगा घाट पर मसान की होली चल रही है। कुछ लोग डमरू बजा रहे हैं जिन्हें पुलिसकर्मी लाठी से पीट रहे हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा काल में काशी के घाट पर लाठियों से पुलिसिया होली खेलने का नया दौर आया है। शुक्र तो ये मनाइए कि होली खेलने वालों पर भाजपाइयों ने बुलडोजर नहीं चलवाया। शायद एक रंगी सोच वालों को बहुरंगी होली पसंद नहीं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा सत्र का समापन 3 मार्च की शाम को हुआ था। विधानसभा सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 11 दिन तक चला। सतीश महाना ने बताया कि सत्र में 11 उपवेशन हुए। सदन की कार्यवाही 83 घंटे 38 मिनट चली। 36 मिनट स्थगन और 1 घंटे 51 मिनट भोजन अवकाश के साथ ही 83 घंटे 2 मिनट सदन चला। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित रहकर बजट पर चर्चा की, जबकि अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से लगातार सरकार के बजट प्रस्ताव पर सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।